कहते हैं जब दवाएं भी विफल जाएं, दवाएं भी काम ना आए तो फिर दुआ तो जरूर काम आती है। ऐसे में एजाज खान सभी से कर रहे हैं रिक्वेस्ट की, दुआ कीजिए सभी जो हैं इस पूरे समय से अच्छे से उभर जाएं, अच्छे से गुजर जाएं और हम सभी फिर से हंसते खेलते एक सा माहौल में वापस जा पाए। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एजाज खान, जो कि अभी सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुआ कीजिए। दरअसल देश के जो हालात बने हुए हैं, सिर्फ देश के ही नहीं पूरे दुनिया के जो हालात बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटा सा वायरस जो है अभी हम लोगों को छोड़कर नहीं जाने वाला है, हमारी जिंदगियों को और भी बेहाल करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से जो है देश में लोग रो रहे हैं, इलाज के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं, बेड्स की किल्लत हो रखी है, दवाइयों की किल्लत हो रखी है, ऑक्सीजन जैसी चीज की किल्लत हो रखी है, मतलब हवा तो एक बेसिक नेसेसिटी होती है उसकी किल्लत हो रखी है, तो आप समझ जाइए देश किस कगार पे खड़ा है। ऐसे में दवा दारू सब विफल जा रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है, डेड बॉडीज पर डेड बॉडीज खड़ी होती जा रही हैं। ऐसे में एक चीज जो काम कर सकती है इस समय पर वो है दुआएं। आप भी दुआ कीजिए, ये एजाज खान कह रहे हैं कि हम सभी लोग जो है इस समय से गुजर जाएं। एजाज खान इसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि प्लीज आप लोग सेफ रहिए, घर पर रहिए, क्योंकि इस समय पर सभी को एकजुट होकर साथ में खड़े होना है, लेकिन अपने अपने घरों से, अपने अपने घरों से जो है सबको इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ना है। और ये बहुत ही सबसे लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है किसी वॉर में आपका, जहां पर आपको अपने घरों पर रहकर सेफ रहना है, घर के बाहर स्टेप नहीं करना है जब तक बहुत अर्जेंट ना हो। और ये चीज तो हर कोई कर सकता है, ये तो बहुत मिनिमम चीज की मांग हो रही है, और साथ ही दुआ तो हर कोई कर सकता है। ऐसे में एजाज खान के इस मैसेज को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।